नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट करो पे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिलती रहे। तो फिर से हाजिर हुई हूँ न्यू लोकेशन न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आज की जो हमारी लोकेशन आ गई वो सेक्टर 127 मोहाली की आ गई। तो अब मैं आपको कनेक्टिविटी बता देती हूँ, काफी प्राइम इसकी कनेक्टिविटी आ गई। जो हमारा एयरपोर्ट रोड है वो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाता है और लांडा रोड की भी इसकी कनेक्टिविटी आ गई। नियर बाय आपकी जो है डेली नीड्स की जो शॉप है वो आपकी नियर बाय पड़ जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी होगी आपकी तो वो भी आपके नियर बाय पड़ जाती है। तो काफी प्राइम लोकेशन है हमारी आज की। तो मैं आप सभी को 4 BHK के फ्लोर की तरफ लेके आई हूँ। तो ये रहेगा बाहर का एलिवेशन, G+2 का ये हमारा एलिवेशन आ गया। इस फ्लोर में आप जो भी देखोगे वो आपको एक्चुअली डिलीवर किया जाए। तो हम जा रहे हैं एक्चुअल फ्लैट की तरफ, तो चलिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसका होम टूर। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलनी है वो तो हम साथ में ही देखेंगे। दो हमारे डोर आ जाते हैं, एक मैश डोर आ गया, ये सेकंड वुडन की फर्निशिंग विद स्मार्ट लॉक आ गया हमारा। तो एंटर करते ही दोस्तों हमारा डाइनिंग ड्राइंग एरिया लिविंग स्पेस काफी स्पेशियस आ जाता है। ये हमारी डाउन सीलिंग आ गई विद शैंडुलर के साथ। सामने LED पैनल का स्पेस आ गया, यहाँ पे अपनी बड़ी सी 50 इंच की LED आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस घर में जो है स्पेस देखिए लिविंग एरिया का, यहाँ पे आप जो है घर के अंदर या पार्टी रख सकते हो, फैमिली वालों के साथ गेट टुगेदर कर सकते हो, इतना आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। डाउन सीलिंग हमारी बिल्कुल ऐसी रहेगी, ये फैंस आपको लगा के दिए जाएंगे, AC का प्रोविजन आ गया हमारा इसमें। तो ये था हमारा डाइनिंग ड्राइंग एरिया। अब हम चलते हैं हमारे मॉड्यूलर किचन की तरफ, देख लेते हैं हम आपको मॉड्यूलर किचन में क्या क्या चीजें दे रहे हैं। तो ये है दोस्तों हमारा मॉड्यूलर किचन। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे अपना फ्रिज का स्पेस आ गया, यहाँ पे अपना फ्रिज रख सकते हैं। ये आ गई दोस्तों हमारी पेंट्री, यहाँ पे आलो जो भी है आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो आप कैबिनेट्स देख सकते हैं कितना स्पेस आपको कैबिनेट्स में मिल रहा है, कि आपको जो है प्रॉब्लम ना आए कि आपका सामान कम पड़ जाए रखने के लिए। तो काफी स्पेशियस है, तो आपका जो है ये बोथ साइड ओपन फ्लैट रहने वाला है। तो चलिए बालकनी देख लेते हैं। तो ये आ गई दोस्तों हमारी किचन से कनेक्ट बालकनी, जो हमारे फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्ट करती है। तो वो मैं आपको फर्स्ट बेडरूम से दिखाती हूँ। तो किचन तो दोस्तों आपने देख ही लिया है कि कितना स्पेशियस है, खुला डुल्ला है, 2-3 लोग आराम से इसमें मूव कर सकते हैं। डाउन सीलिंग में जो लाइट्स रहेगी वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आ गया जी फर्स्ट बेडरूम। जैसे ही हम बेडरूम में आ जाते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारा वॉशरूम आ गया। तो ये आ गया हमारा वॉशरूम, आप देख सकते हैं काफी खुला डुल्ला है, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी लगा के दे रहे हैं, सारी फिटिंग रहेगी जैकवार की। तो ये आ गया जी हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आप नोटिस कर रहे होंगे वेंटिलेशन, जो कि घर में बहुत जरूरी है। तो लाइट्स ऑन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है और बाहर का व्यू आप बेडरूम से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप वाइट स्पेस आ गया, सामने LED अपनी लगा सकते हैं। तो चलिए अब कबर्ड्स देख लेते हैं। तो ये आ गए दोस्तों हमारे कबर्ड्स, रूफ टॉप पे हमारे कबर्ड्स आ गए, स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो अब चलते हैं हम सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा सेकेंड बेडरूम। तो देख लेते हैं हम हमारा सेकंड बेडरूम, डाउन सीलिंग विद कंसीलर के साथ आके हमारी सामने आके हमारे कबर्ड्स। इसमें आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी विंडो आ गई वेंटिलेशन के लिए। अटैच इसमें वॉशरूम आ गया, वॉशरूम में भी हमारी सारी फिटिंग आ गई। आप स्पेस देख सकते हैं, व्हाइट और ब्लैक थीम के साथ हमारी ये टाइल्स का कॉम्बिनेशन रहेगा और काफी स्पेशियस हमारा ये वॉशरूम आ गया। यहाँ पे आप अपनी LED लगा सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। तो अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। ये आ गया दोस्तों हमारा खुला डुल्ला थर्ड बेडरूम, डाउन सीलिंग आ गई हमारी और सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो आ गई, LED पैनल का स्पेस आ गया, यहाँ पे अपनी LED लगा सकते हो आप। सामने आ गए कबर्ड्स, कबर्ड्स कुछ अलग से लुक में आ गए। आपको जो है पूरे घर में स्पेस बहुत अच्छा मिल रहा है। अटैच हमारा इसमें वॉशरूम आ गया, तो ये रहेगा अटैच वॉशरूम।
वॉशरूम देखिए आप कितना स्पेशियस है, यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है वॉशरूम में। सारी हम आपको फिटिंग लगा के देंगे जैकपॉट की हमारी फिटिंग आ गई। जैसे मैंने बताया दोस्तों ये बोथ साइड ओपन है, मैं आपको बैक साइड से दिखा दूंगी इसकी। ये आ गया आपका बैक साइड, तो यहाँ पे जो है आप वॉशिंग एरिया बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 333 गज का फ्लोर। आप सभी को मैं पहले पार्किंग दिखाना भूल गई थी, तो ये है हमारी पार्किंग। यहाँ पे 3-4 गाड़ियां घर के बाहर ही पार्क कर सकते हैं, तो इसमें जो है लिमिटेड ही हमारी इन्वेंटरी बची है। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपना फ्लोर अपने नाम कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।